रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉरपोरेशन के नायब सदर असमत इकराम साहब से, और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PMD जो अहमदाबाद कर रही है हुकूमत के साथ, उनके हवाले से उनकी क्या ख्याल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया जनाब शोहर साहब, आपका ये सवाल बड़ा अहम सवाल है कि अहमदाबाद तो कामयाब हो चुकी है, और मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी अभी पंजाब असेंबली में भी तरीके अहमदाबाद पेश कर दी गई है, और इंशाअल्लाह ताला ये पंजाब से भी अभी उनकी जान छोड़ेगी और पाकिस्तान के सामने हमारी जान छोड़ जाएगी। ये वो दल है जिन्होंने पाकिस्तान के आवाम को समझदार किया है, और आखिर में इन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म किया है, उनके ऊपर जो ज्यादतियाँ की हैं, आज हम अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे कायद राणा सनाउल्लाह खान की क़यादत में मुतहद हैं, और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जितनी देर तक इन हुमरानी टोले को इस्लामाबाद से और पंजाब से निकाल कर हम इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। और ये तरीके नजात है, ये मेरे कादियान मोहम्मद नवाज शरीफ ने तरीके नजात चलाई थी, और आज ये तरीके नजात हुमरानी हुकूमत के खिलाफ है। यह हुमरानी हुकूमत वो है जो यहूदियों की अहलकार बनी हुई है, और इस हुकूमत ने पाकिस्तान को और इस्लाम को और कश्मीर को जितना नुकसान पहुँचाया है, आज तक किसी हुक्मरान ने इतना नुकसान पहुँचाया। आप क्या समझते हैं कि जो तहरीक इतमाद जमा कराई गई है उसके वाले से आपके क्या ख्याल है? जो तहरीक इतमाद पंजाब में जमा कराएंगी तो इंशाल्लाह कामयाब है, और कामयाब है, और पंजाब में भी कामयाब है और मरकज़ में भी कामयाब है। आज इमरान खान की कमर टूट गई है कि आज सुबह 9:30 बजे पंजाब असम्बली में तरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई है, और इस बग़ैरत बेशरम बेहया बेअखलाक हुकूमत से हम छुटकारा बहुत गरीब है। बहुत शुक्रिया। जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के सबक सदर हैं और चेयरमैन हैं CC 118 के, और ये राणा सनाउल्लाह के दस्ते बाजू हैं, हम इनसे पूछते हैं कि अदम एतमाद के हवाले से आपके क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जनाब शौकत भट्ट साहब आपका मशहूर न्यूज़ आपने चलाया है और आवाम तक आवाम की आवाज़ पहुँचाते हैं, तो आज आपने अदम एतमाद के सिलसिला में कहा है, तो मेरे कायद जनाब राणा सनाउल्लाह खान ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो हमने अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की है वो इंशाल्लाह कामयाब हो चुकी है। अब तो सिर्फ हाल के अंदर गिनती होनी है, और इमरान खान ने बिस्तरा बोल रहे हैं, रात का बांध चुका है और अपने घर को जाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि आवाम भी इस वक्त बड़ी परेशान है, और ये महंगाई का जो तूफान इस वक्त खड़ा है इसकी वजह से आवाम ने 3 साल इसकी हुकूमत को बर्दाश्त किया। इंशाल्लाह ताला अदम एतमाद कामयाब होगी, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आएंगे और मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी, और ये महंगाई के तूफान से जान छुटकारा होगी, आवाम सुख का सांस लेंगे, और आप भी इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर एक नए जो ये नया पाकिस्तान कहते थे उसकी बजाय पुराने पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर हम अरूज पर पहुँचाएँगे, मुल्क में इस्लाहात होंगी, मुल्क में इंडस्ट्री चलेगी, नौजवानों को कर्ज़े मिलेंगे और वो कारोबार करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा, बेमकानों को मकान मिलेगा। जो पॉलिसियाँ मियां नवाज शरीफ छोड़ के गए थे मोटर वे और ऐसी इस तरह दोबारा भी शुरू की जाएंगी, इंशाल्लाह हम अपने हल्के में भी राणा सनाउल्लाह की क़यादत में और इसके बाद अपने कायम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुतहद हैं, इंशाल्लाह काम जारी हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, शौकत सुल्तान भट्ट, MD न्यूज़ फैसलाबाद।